दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो की भावना में हम और आप खो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया अगर आपके पास उतना टाइम है जितना इस वीडियो की लंबाई है, मतलब जितने मिनट का ये वीडियो है, मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो बनने वाला है क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूं, तो जितने मिनट का ये वीडियो है अगर उतना आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर टाइम नहीं है तो फुर्सत निकाल के, समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। जी हाँ, वैसे मर्जी आपकी है, देखे चाहे ना देखे, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि फुर्सत निकाल के आप वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताया हूं, जो मैं बताने वाला हूं दोस्त, इससे आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। आपका लाइफ में दोस्तों गजब का जो है चेंजिंग होने वाला है, यकीनन ये वीडियो देखिएगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है, तो भैया मर्जी आपकी है, देखे चाहे ना देखे। ठीक है, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त ये 5billionsales.com किसी परिचय का मोहताज अब नहीं रह गया है। सभी लोग को मालूम चल गया होगा यहां पे कि ये 5 बिलियन सेल्स क्या है, कैसे इनकम देती है, क्या इसका सारा प्रोसेस है, सब चीज इसे अपना खोल के रख दिया है, सभी लोग को मालूम चल गया है। ठीक है, तो दोस्त यहां पे दो तरह की बात निकल के सामने आ रहा है। पहला बात ये आ रहा है कि हम लोग खुश थे कि चलो ये लाइव हो गया है और हमको यहां से इतना इनकम मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही हम लोग को ये पता चला कि भैया जो इनकम मिलने वाला है वो साल का इनकम मिलने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए क्योंकि हम लोग को उम्मीद ये नहीं था। ठीक है, लेकिन दोस्त यहां पर कंपनी की कोई गलती नहीं है। कंपनी शुरुआत से ये बात बोल रही थी कि मैं आपका डेटा बेचूंगा और साल का इनकम यहां पर दूंगा आपको, ईयरली इनकम दूंगा। वो हम लोगों ने क्या किया कि उस साल की इनकम को महीना बदल दिया और हम लोगों ने मान के लिया कि चलो इतना इनकम हमको मिलेगा महीना में। ठीक है, लेकिन जब फाइनली ये लाइव हो गया है कंपनी, तो भैया लाइव होने के बाद जब ये बोला कि अब जो इनकम आपको मिलेगा साल भर के बाद, तो हम लोग डिमोटिवेट हो गए। हमको ये लग रहा है कि अब काम करने से क्या फायदा है ना, क्या काम करेंगे यहां पे, ये पैसा तो साल भर के बाद देगा तो कुछ तो फायदा है नहीं यहाँ पे काम करने से, इसको छोड़ देते हैं। चलो जो मेहनत हुआ, जो टीम बनाने में मेहनत हुआ, चलो जाने देते हैं, कर भी क्या सकते हैं, यही माइंड में चल रहा है। लेकिन एक नजर यहां पे अथवा देख लीजिए दोस्तों, अगर आप एक नजर यहां पे देख लेंगे तो बिल्कुल आपका नजर यहां पे बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे कि जैसे ही मैं आपको 5billionsales.com में लेके आता हूं, ये जो ऐप आप देख रहे हैं, इस ऐप में मैं आपको लेके आता हूं, इसको खोलने के बाद, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे ही मैं इंटर करता हूं इसमें, ठीक है, जैसे मैं आता हूं तो यहां पे ये इंटरफेस नजर आता है। दोस्त यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा है, आपको इस तरह का नजर आ रहा है, जैसे मैं यहां मैं आपको दिखाई देता हूं, अगर आपको इस तरह का यहां पे नजर आ रहा है, मैं आपको दिखा दूं, अगर ये इस तरह का आपको नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उस तरह का इंटरफेस लाने के लिए आपको बस यहां पर करना कुछ नहीं है। आपको करना यह है कि ये मनी मेकर पेज पे जाना है। ठीक है, जाने के बाद यहां पे दोस्त ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां जो आप रेफर एंड अर्न देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्त, ये आपके सामने आ जाएगा। देखिए आ गया ना, जो जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है कि जिनको ये स्क्रीन यहां पे ये नहीं शो कर रहा है, आप ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आप यहां पे आपको बता दिया। आप एक नजर यहां पे दोस्तों आपको दिखाते हैं, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं वो देख लीजिए। जैसे ही दोस्तों ये आपके सामने आता है, उसके बाद हम लोग माई मनी मेकर पेज पर जाते हैं, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट नीचे आते हैं, इसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे ये इनकम हो गया है। देखिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कमीशन अर्न $5,000, ओवरराइड अर्न $690। दोस्तों ये यहाँ पे अभी शो हो रहा है, ये आगे और बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ये मेरा पैसा मैंने कमा लिया दोस्तों, ये पैसा मैंने कमा लिया है, बस निकलेगा तो ये पैसा मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी पैसा आपका दिख रहा है, जो भी आपका इनकम यहाँ पे दिख रहा है, वो आपका हो गया, समझ गया, आपकी कमाई यहाँ पे वो हो गया है, चाहे ये वाला भी आपका कमाई हो गया है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कैलकुलेटर खोल के आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इनकम दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा इनकम यहाँ पर ये होने वाला है, $5,000 वहाँ पर है दोस्तों। $5,000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 375,000 मेरा हो गया। ठीक है, ये 375,000 है और दोस्तों ओवरड्राफ्ट जो इनकम है वो 690 है, $690 है दोस्तों। यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 51,750 और यहाँ पे दोस्तों इसको 375,000 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 426,750। ठीक है, इसको बराबर करते हैं और यहाँ पे जो मेरा सेल्फ इनकम है, ये तो इनकम हो गया मेरा नेटवर्क का, खुद का जो इनकम है दोस्तों यहाँ पे हमको मिलेगा 43,500। तो जो टोटल जो इनकम होता है दोस्तों वो होता है 417,250, इतना इनकम यहाँ पे हमको मिलने वाला है। चलिए थोड़ा सा बैक यहाँ पे हो जाते हैं।
यानी ये जो इनकम यहाँ पे दिख रहा है ये इनकम हमको मिलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ये हमको मिल के रहेगा, ठीक है, इसमें कंपनी भी नहीं रोक सकती है, समझ गया दोस्तों। दोस्तों आपने देख लिया, एक नजर देख लिया यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कितना इनकम हो रहा है, ये तो मेरा है, जबकि मेरा मुश्किल से दोस्त 850 का टीम यहाँ पे है तब जाके इतना इनकम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोगों का बहुत ज्यादा टीम है, बहुत बड़ा टीम है, जिनको 40 लाख 50 लाख रुपया इनकम शो हो रहा है, वहां पे दिख रहा है, तो आप एक बात बताइए, क्या वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं? बताइए, क्या ये बेवकूफी वो कर सकते हैं? अरे भैया, मुझे यहाँ पे 4 लाख से करीब 5 लाख रुपया इनकम दिख रहा है, जबकि आगे और ये बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे टीम बढ़ेगा तो ये बढ़ते रहेगा। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं कि टीम कैसे बढ़ेगा, अब कोई करेगा ही नहीं, लेकिन दोस्त एक बात बताता हूं, अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो बिल्कुल आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। तो दोस्त यहां पे जो इनकम हमको दिख रहा है 4 से 5 लाख रुपया, अगर इसको हम नहीं ले, हम ये सोच के इसको छोड़ दें कि भाई हमको ये साल में मिलने वाला है, मैं अब 5 बिलियन में काम नहीं करूंगा, तो यहां पे हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो इसको हम लॉग आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं पूरा फाइनल, या फिर इसको हम डाटा वैलिडेट ही नहीं करेंगे, यही नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यहां पे इसको लॉग आउट करके छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया, या फिर मैंने डाटा वैलिडेट नहीं किया, तो मेरा आईडी हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी का ये रूल है कि अगर हफ्ता में 3 बार, जी हाँ, सप्ताह में 3 बार आपको डाटा वैलिडेट करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो कंपनी आपको रोबोट मान लेगा, मशीन मान लेगा, और आपका आईडी ब्लॉक कर देगा। तो वैसे भी आईडी वहां से ब्लॉक हो जाएगा, डाटा वैलिडेट नहीं करेंगे तो, ठीक है, और लॉग आउट करेंगे तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या ये हम बेवकूफी करेंगे कि नहीं बेवकूफी करेंगे, आप लोग बताइए, क्योंकि एक बात बताइए दोस्त, मोबाइल हम तो छूटने वाला नहीं है, मोबाइल वो नशा हो गया है जो हम लोग खाना नहीं खाएंगे फिर भी हमको मोबाइल चाहिए, हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जब तक अब दुनिया रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा, ये स्मार्टफोन जब तक रहेगा, आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते रहिएगा, चाहे गूगल में, चाहे फेसबुक में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे ट्विटर में, चाहे किसी भी चीज में टाइम वेस्ट कीजिएगा ना। आप लोग मोबाइल क्यों यूज करते हैं? समय निकालने के लिए क्या करते हैं? यूट्यूब देख लेते हैं, गूगल देख लेते हैं। तो एक बात बताइए, 10 साल से 5 साल से 8 साल से कोई 2 साल से ये काम आप कर रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, क्या इनकम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बता दे हमें कुछ इनकम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम वही काम जो हम लोग कर रहे हैं अगर यहां पे करेंगे, 5 बिलियन सेल्स में जो हम लोग को टीवी ब्राउजर वो दिया है, उस टीवी ब्राउजर में वही काम करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, तो यहां पे तो इतना उम्मीद है ना कि चलो साल भर के बाद यहां से हमको कुछ मिलने वाला है, और इतना तो उम्मीद है ना। ये जो हम लोग कर रहे हैं क्रोम पे या फिर गूगल ये सब में करते हैं, यहां तो उम्मीद भी नहीं है कि कुछ यहां से मिलने वाला है, क्योंकि 10 साल से कर रहे हैं अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन यहां तो कम से कम उम्मीद है कि साल भर के बाद ये मुझे मिलेगा, और काम तो हम वही करने वाले हैं। और दोस्त ये काम थोड़ी है, ये क्या काम है आपको? फेसबुक चलाना काम है आपका, ट्विटर चलाना काम है आपका, गूगल चलाना काम है? नहीं, काम तो है नहीं, ये तो आपका डेली की आदत बन गया है। तो जब डेली की आदत बन गया है तो क्यों ना हम ये इसमें करें कि ब्राउजर में ही वो अपना आदत बना ले, डेली की आदत बना ले कि भैया चलो हमको तो गूगल देखना ही है तो क्यू ब्राउजर में ही देख लेते हैं। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर इसको आप छोड़ दीजिएगा तो कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा हम ही लोग को होगा, क्योंकि जो भी पैसा दिख रहा है आप लोग का भी दिख रहा होगा, चलो मान लेते कि साल का दोस्त कुछ ही पैसा आपको वहां पे दिख रहा है, अरे कम से कम सेल्फ इनकम तो 43,500 रुपया होने वाला है ना, सभी लोग को इतना तो होने वाला है ना, घर में अगर 2-3 मोबाइल है तो दोस्त 1 लाख रुपया तो आपका हो गया। तो अगर इसको आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा बेवकूफी करेंगे, करेंगे कि नहीं बेवकूफी? आप कमेंट में लिखिएगा, हमें जरूर लिखिएगा कि हाँ ये बेवकूफी होगा, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा मैं कैसे छोड़ सकता हूं यार, ठीक है। तो दोस्त अगर आपने ये मान लिया, ये ठान लिया है कि हमें नहीं करना है 5 बिलियन सेल्स, क्योंकि यार साल भर के बाद यहाँ पे इनकम मिलेगा, तो दोस्त आप बिल्कुल ये जो है ना गलत सब सोच रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि आपसे गूगल छूट नहीं सकता है, आपसे यूट्यूब छूट नहीं सकता है, आपसे फेसबुक छूट नहीं सकता है, आपसे मोबाइल नहीं छूट सकता है, क्योंकि दोस्त अगर इससे बचना चाहते हैं तो वही कीपैड वाला मोबाइल लेना पड़ेगा आपको, बटन वाला, तभी जाके हो सकता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन रहेगा तो आपका डेटा वैसे ही बिकते रहेगा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि क्यों हम डाटा इसको बेचेंगे, सालों के बाद इनकम देगा, अरे तो बेचिए ना उसको भी बेचिए, क्रोम को भी बेचिए, क्रोम पर जाके बेचिए, फेसबुक को बेचिए, वो तो बिक रहा है ना ऑलरेडी आपका, तो वहां से भी तो वैसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पे करेंगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, आप कह देते हैं कि सर ये कंपनी बाय द वे भाग जाए, 5 बिलियन से भाग जाए, धोखा दे दे, तो क्या जाएगा यार? अरे आपका डेटा ना जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करके टीम बनाया है, वही थोड़ा सा अखड़ेगा कि चलो मेहनत यहां पे इतना किया थे, लेकिन कमवा तो वही आपको करना है, वैसे भी डेटा आपका बिक ही रहा है, नहीं चाहते हुए बिक रहा है,
तो कम से कम यहाँ एक उम्मीद तो है। अगर मान लिया जाए कि ये कंपनी नहीं भागी, आपकी सोच के विपरीत ये कंपनी नहीं भागी, ये जो है सब लोग को इनकम देना स्टार्ट कर दी साल भर के बाद, तो क्या उस समय आप अखड़ेगा कि नहीं अखड़ेगा, आपको पछतावा होगा कि नहीं होगा, क्या यार हमने क्यों इसको छोड़ दिया, क्या कोई दिक्कत तो था नहीं, यहाँ तो कोई बोझा तो था नहीं काम करने का कि हमको ये करना है, अब डेली तो हम वही कमा करना है हमको। तो दोस्त आपको डेली वही काम करना है, और चलिए इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका काम इजी करने वाला हूं कि आप डेली यहां पे क्या क्या आपको करना है, वो काम मत समझिए, आपका डेली की आदत बन चुका है, लेकिन वो उस चीज को मैं हल्का करने वाला हूं, ठीक है, कैसे आप यहां पे सारा चीज कर सकते हैं। तो दोस्त यहां पे इत्मीनान से आप देख लीजिए, मोबाइल आ गया है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों यहां पे आप आ गए हैं मेरे मोबाइल में, और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका काम यहां से कितना इजी अब होने वाला है, मतलब वो काम थोड़ी है, वो तो आपका डेली आदत है। तो सिंपली आपको यहां पे क्या करना है यही मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे, ये है फेसबुक, ये है ग्रीन वर्ल्ड जो कि मैं काम करता हूँ ग्रीन वर्ल्ड में, ये है दोस्तों यूट्यूब, ये है अमेजोन, ठीक है, ये है दोस्तों आपका 5 बिलियन सेल्स। तो दोस्त सबका मैंने होम स्क्रीन कर दिया है कीवी ब्राउजर में, आप देख सकते हैं ये कीवी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं ना चिड़ियन जैसा है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं फेसबुक खोलता हूँ, तो दोस्त यहाँ पे अगर मैं फेसबुक खोलता हूँ तो भैया ये फेसबुक हमको लेकर चला जाता है कीवी ब्राउजर के माध्यम से, ये फेसबुक खुलता है, यानी कि मैं फेसबुक अभी ओपन कर लिया हूँ, तो इसका मतलब कि मैं कीवी ब्राउजर में काम कर रहा हूँ, मतलब सर्फिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो डेली का जो है कीवी ब्राउजर में जाना है ये ऑटोमेटिक ये हो रहा है, यानी कि मैं फेसबुक खोल रहा हूँ फिर भी मेरा कीवी ब्राउजर में मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। तो क्या है फेसबुक ही तो मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों मान लीजिए कि यूट्यूब देखना है, ये देख लीजिए क्यू ब्राउजर कहीं यूट्यूब मैंने यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन कर लिया, यूट्यूब मैंने खोल लिया, तो यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं क्यू ब्राउजर में हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्त अमेजोन है, देखिए अमेजोन का ही मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना लिया है, ऐड टू होम स्क्रीन कर लिया है, यानी कि ऐप जैसा मैंने बना लिया है, ये अमेजोन यहाँ पे खुल गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये अमेजोन मैंने यहाँ पे खोल दिया, इसका मतलब कि मैं क्यू ब्राउजर में हूँ। तो आपका तो काम वही करना है ना जो आप डेली कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे आप जैसे मान लेते हैं कि आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, देखिए इंस्टाग्राम के यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो सिंपल है, किसी भी चीज़ को आपको देखना है तो आपको बस क्यू ब्राउजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्यू ब्राउजर है, क्यू ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्त क्यू ब्राउजर के न्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो चलिए यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्त, इंस्टाग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्त, ये इंस्टाग्राम देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी मैं टाइपिंग गलत कर दिया था, इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ पे देखिए instagram.com है, मैंने यहाँ पे क्यू ब्राउजर में इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। तो सिंपल भैया ये ओपन हो गया है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है, ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कीजिए कि ये ऐड टू होम स्क्रीन कर लीजिए, यहाँ पे 3 डॉट लाइन पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन करके यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन है दोस्तों ये ऐड को क्लिक कर लेना है, ठीक है, देखिए इंस्टाग्राम आ गया, यहाँ पे ऐड को दबा देना है, यहाँ पे ऐड एक बार दबा देना है, ठीक है। तो ये आपके ऐप की तरह आपके मोबाइल में आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, ये देखिए इंस्टाग्राम आ गया ना, ये ऐप की तरह। अब यहाँ से अगर इंस्टाग्राम को भी ओपन करते हैं तो भैया हम क्यू ब्राउजर में ही हैं, यहाँ पे अपना लॉगिन हमको कर लेना है, ठीक है, जो आपका आईडी अपना लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये तरीका है, यानी इस तरीका से दोस्तों आपको इजी हो जाएगा, आपका डेली जो है आपको जो बोला गया है कि सर्फिंग करना है क्यू ब्राउजर में, आपको ऐसा काम नहीं लगेगा, आपको डेली बस सिंपल सा वो फेसबुक खोल लेना है जाना है, सिंपल सा दोस्तों इंस्टाग्राम खोल लेना है, सिंपल सा यूट्यूब खोल लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इजी है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको और आसान कर देता हूँ चीज़ों को, दोस्त यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बना हुआ है ना फोल्डर, ये देख सकते हैं ये फोल्डर है जिसमें ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जितना भी ऐप है सभी को यूज करना है, तो करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि ये इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम को हम जितना भी यहाँ पे है सबको हम एक अपना फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर बनाने क्या करना है कि इस ऐप को यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर खाली इसको चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं चढ़ाया तो यहाँ पे ये आ गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अमेजोन को भी ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ला देना है, अमेजोन भी आ गया। फेसबुक को क्या करना है कि फेसबुक यहाँ पे ऐसे ला देना है, ये भी आ गया। चलिए ग्रीन वर्ल्ड है जो कि मैं काम करता हूँ, ये ग्रीन वर्ल्ड भी मैंने यहाँ पर ला दिया, ग्रीन वर्ल्ड को भी मैं ओपन करता हूँ तो क्यू ब्राउजर में हूँ, क्योंकि मैंने क्यू ब्राउजर से ग्रीन वर्ल्ड को यहाँ पर ये कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी जैसे मान लीजिए कि और कुछ जैसे अमेजोन वगैरह है, ये 5 बिलियन सेल्स है, तो 5 बिलियन सेल्स को भी हम यहाँ पे ला के रख देंगे इस तरीका से, ठीक है। तो ये हो गया, अब इस ऐप को हमको इस तरीका से हो गया दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आपको मन है वो आप अपना कलर कलरिंग वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐप मेरा खुल गया है, समझ गए। अब दोस्त ये फोल्डर नाम देना है, तो यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे देखिए फोल्डर नेम लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सिंपली से आप कीवी ब्राउजर लिख दीजिए, कीवी ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लिख लीजिए कीवी ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये कीवी ब्राउजर के नाम से, देखिए ये हो गया ना, फोल्डर बन गया कीवी ब्राउजर के नाम से, हो गया। अब क्या है कि इसको हमको होम स्क्रीन पे ही करना है, तो इसको हम उठा के इधर अपना रख लेंगे, होम स्क्रीन पे कर लेंगे एकदम सामने, ताकि हम सुबह सुबह उठे। अब देखिए, अब जैसे ही मान लेते कि ये मोबाइल मोबाइल दोस्तों अब यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे आपको ओपन कीजिएगा, इस तरह से ओपन कीजिएगा मोबाइल, खोलिएगा मोबाइल, ठीक है, इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद ये अपना खोल लीजिएगा, खोलने के बाद जैसे ही आपका ये स्क्रीन सामने आएगा, तो वैसे ही क्यू ब्राउजर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखिए है ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बस सिंपल सा जाना है, इसमें क्लिक कर लेना है, या जो भी आपको देखना है, यूट्यूब यहाँ पे आ गया है, आपका इंस्टाग्राम आ गया है, अमेजोन आ गया है, फेसबुक आ गया, जो भी देखना है आपका, बस यहाँ से सिंपल क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करना है तो आप क्यू ब्राउजर में क्या हो गए, एक्टिव रहेंगे क्यू ब्राउजर में, हमेशा आप गए रहेंगे उसमें, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, 5 बिलियन में डेली जो आपको पैसा मिलने वाला है, सेल्फ इनकम 1.10 वो आपको मिलेगा, समझ गए। ये काम आप तो कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कर सकते हैं दोस्तों कि चूंकि आपको जानना है कि डेली आपको डाटा सेल करना है और वैलिडेट करना है, तो ये आपको डेली करना है, तो सिंपल है ना, वो भी तो कुछ काम नहीं है, बस यहाँ हमें जाना है, क्यू ब्राउजर को ओपन करना है। आइए देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 बिलियन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल है दोस्तों, यहाँ की आपको डाटा सेल करना है तो मनी मेकर पेज में जाना है। जैसे ही आप मनी मेकर पेज को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो ये दोस्तों खुलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको डेट योर डाटा योर सेल में जाना है दोस्तों, योर सेल डाटा में, उसके बाद देखिए वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ वैलिडेट पे दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में 2 ऐड आता है, तो पहला ऐड पर मैंने क्लिक कर दिया, तो आपके सामने ये ऐड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऐड देखने के बाद सीधा बैक कर देना है, और बैक होने के बाद फिर नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे ये देख लीजिए, ये भी आपका ऐड है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और ऐड आएगा, तो ये ऐड भी देख लेंगे, और उसके बाद बैक हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये दोनों हो गया काम, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा व्यू कर लेंगे, व्यू करके आप देख लीजिए कि आज का मेरा डाटा ये हुआ है कि नहीं वैलिडेट। देखिए ये जो ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर का आपको देख मिल रहा है देखने को, आपका वैलिडेट हो गया है डाटा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको डेली करना है। और दोस्त यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हमारा जो हफ्ता है, जो पूरा हफ्ता है, मतलब 7 दिन का, इसमें मेरा जो इनकम है क्या वो 7, मतलब डेली आपको 1.10 मिलता है, तो 7 दिन में 7.70 हमको पैसा मिला है कि नहीं मिला है वो डॉलर, अगर आप चेक करना चाहते हैं, और चेक बिल्कुल कीजिएगा, हफ्ता में चेक जरूर कीजिएगा कि ये मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पर जाके वो शिकायत कर सकते हैं उनको। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम चेक करें कि हमारा जो इनकम है डेली हफ्ता में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करना पड़ेगा आपको, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, तो वीडियो उसका हम स्पेशल आपको बना के दिखा देंगे। ओके, थैंक यू। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि कैसे आप फोल्डर बनाइएगा, सारा जो है आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी को एक जगह वहाँ पर रख दीजिए, सुबह सुबह उठिए और ये कर लीजिए, और जाके ये काम कर लीजिए, इतना ही तो काम करना है, ठीक है। और दोस्त जो मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दिया है, मोबाइल में मैंने बताया है, इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लीजिए कि डेली की आप आदत बना लीजिए। और हाँ, टीम बनाना बंद मत कीजिए, नेटवर्क बनाना बंद मत कीजिए, क्योंकि दोस्त अगर ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, अगर हर महीने में आपका कुछ टीम बनता है, तो जब इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा साल भर के बाद, तो हर महीने में इनकम मिलेगा, क्योंकि मार्च का अगर जितना भी टीम है तो अगला साल मार्च में पैसा मिलेगा, अप्रैल में जितना टीम बनेगा उसका अगला साल अप्रैल ही होगा, तो अप्रैल में आपको मिलेगा, मई का मई में मिलेगा, समझ रहे ना। तो यानी कि एक साल वेट कर लीजिएगा, एक साल थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा, इंतजार कर लीजिएगा, तो बिल्कुल दोस्त आपको अगले साल से हर एक महीना आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, यही खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। और दोस्त ये जो थंबनेल मैंने यहाँ पे दे रखा था, खुशखबरी, जल्दी ही पैसा आपको यहाँ से मिलने वाला है सेल और डेटा का, मैं इसलिए दिया था कि ताकि आप लोग वीडियो पे आए और ये मेरी बातों को सुने, ठीक है, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन थोड़ा सा बदलेगा दोस्त, आप थोड़ा सा जो है पॉजिटिव सोचिएगा इसके बारे में, और यहाँ पे वो करना शुरू कीजिएगा। वैसे भी आप तो करते ही, यानी करना तो कुछ नया है नहीं, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि सारा जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दिया है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा,
जो भी आपका टीम बन चुका है उनको शेयर कीजिएगा, बताइए उनको कि कितना बड़ा भूल वो करेंगे अगर इसको छोड़ देंगे तो, कितना बड़ा गलती वो करेंगे अगर इसको छोड़ देंगे तो 5 बिलियन सेल्स को, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 बिलियन सेल्स .com।